जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार, आप सबका डिफेंस मैंने आप वेलकम करता हूं डे थ्री में। एंड आज हम बात करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर की। बहुत ही इजी आपका ये चैप्टर है। एंड अगर मैं ये कहूं एक लाइन में तो ये आपके परसेंटेज चैप्टर का पार्ट है। बट यस, इस बार आपके एफकेट के लेटेस्ट ऑफिशियल सिलेबस में इसको अलग से मेंशन किया। दैट मीन्स दे आर गोइंग दे विल बी गोइंग टू आस्क 1 to 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्पेसिफिक टॉपिक। इसीलिए चूंकि हमारा एम इस बार का अब की बार दोस्तों पार है, सो आज जीरो टू हीरो बैच में हम पढ़ेंगे एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में। स्टार्ट करने से पहले आपको चाहे बिल्कुल कुछ भी ना आता हो या आपको बहुत कुछ आता हो, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, वो आपको समझना है। 25% इंक्रीज, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि किसी की रेडियस को 25% बढ़ा दिया गया, इसका मतलब क्या होता है कि रेडियस 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब कि भाई का रेडियस पहले 4 था अब 5 हो चुका है। ये आप समझेंगे। मैं अगर बोलूंगा किसी की बेस को 20% डिक्रीज कर दिया गया है तो आप क्या बोलोगे, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब पहले भाई का बेस 5 था अब -1, मतलब जो ऊपर है वो कर दिया गया है अब 4 हो गया। तो ये आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है। इसके अलावा एरिया के लिए हमेशा दो डायमेंशन चाहिए होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। और जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो आपको एल इंटू बी इंटू एच चाहिए होगा। हो सकता है कि कभी कभी आपका लेंथ ब्रेथ सेम हो, इसीलिए हमेशा एरिया मीटर स्क्वायर में निकलता है और वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में मीटर स्क्वायर ऐसे निकलता है। अंडरस्टूड? अच्छा, ये कुछ चीजें हो गई। एक बात बताओ, मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया 100 है और एक दूसरा इसी ट्रायंगल में कुछ चेंज किया तो ट्रायंगल 2 बन गया। चेंज करने के बाद जो इसका एरिया है ये क्या हो गया आपका, 150 हो गया। तो पूछूंगा कि बताओ इसमें चेंज कितना आया, तो आप बोलोगे सर पहले 100 था अब 150 हो गया, गैप कितने का है, 50 का। तो 50 भाई पहले कितना था, 100 था, करके आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, यही तरीका होता है, 50% का चेंज हुआ यही। तो आई गेस ये भी सबको सिंपल आता होगा कि जब भी हम दो एरिया कंपेयर करेंगे दूसरे वाले में से पहले दोनों के बीच डिफरेंस देख लेंगे और डिफरेंस को पहले वाले से कंपेयर करके मतलब बटे में करके 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कॉमन परसेंटेज होती है इसमें। इसके अलावा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो जब भी मैं इन दोनों कंपेयर करूंगा होगा क्या कि एक फॉर्मूले में कुछ कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि जब मैं अगर कोन के फॉर्मूले की बात करूं तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr² h। अगर मैं r और h में कुछ चेंज कर दूं तो v2 क्या हो जाएगा, 1/3 πr² h² यही होगा ना। क्या 1/3 π में 1/3 π में कुछ चेंज आया, नहीं आया, तो आप इस पूरे चैप्टर में इस चीज को कंसीडर ही नहीं करोगे, आप बस r²h और r1²h² को फॉलो करोगे, जो डायमेंशन बदल सकते हैं उनको। अब आपके पास सबसे मस्त जो क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, भैया देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है आपके पास मेरा सा, इन अ ट्राइंगल हाइट इज इंक्रीज बाई 37.5%, इसको आप जब फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 3/8 आएगा, इसको जब चेंज करोगे तो आपका 5/11 आएगा। चेंज कैसे किया, जब पॉइंट को आप हटाओगे तो क्या आएगा, 375% / 10, जब परसेंटेज को हटाओगे तो क्या आएगा, 375/100 × 100, जब आप परसेंटेज को हटाते हो तो अपॉन में 100 आ जाता है, यही करोगे सेम आपका इसका भी, जब निकालोगे, इन्होंने निकाल दिया है। अब देखिए इसका जो हाइट जो है वो बोला है कि इसने हाइट को 37.5% इंक्रीज किया है 3/8, मतलब हाइट पहले 8 रहा होगा अभी प्लस 3 हो गया, मतलब 11 हो। बेस को भाई ने 45.45 क्या किया, इंक्रीज किया, मतलब कि 5/11, मतलब पहले बेस 11 रहा होगा अब प्लस 5 यानी 16 हो गया। यहां पर हम देख लेते हैं, देखिए जो हाइट है वो क्या है आपका, पहले 8 था अब कितना हो गया, 11 हो गया। जो बेस था पहले आपका 11 था अब कितना हो गया आपका, 11/5 16 हो गया। इन जनरल एरिया कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे कि सर इसमें क्या होता है ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट, आपको पता है हाफ को हम कंसीडर ही नहीं करते, बेस और हाइट हमारे पास गिवन है, मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे जो एरिया आया पहले ट्रायंगल का आया मेरा वो आया 88 और ये आपका जो आया वो आया 176, ये एग्जैक्ट डबल है, मतलब इन दोनों के बीच में 88 का गैप है, 88 का गैप, पहले कितना था 88 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 100% की बढ़ोतरी। तो ये तरीका होता है इन क्वेश्चन को डील करने का, इजीएस्ट फॉर्म जो आप बोल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बेस इनटू हाइट एरिया होता है, ये पहला एरिया था
पहले एट था, पहले एट लिख दिया, पहले इलेवन था, पहले इलेवन लिख दिया। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई 25%। भैया लेंथ को क्या कह रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कितना 25%, मतलब कि 1/4 से। जो आपका ब्रेथ है वो 50% इंक्रीज कर रहा है, 50% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि 1/2। अब देखो ये L है, देखना ध्यान से, ये आपका L है, L क्या हो जाएगा 4 से 3 हो जाएगा, L 4 to 3 हो जाएगा, सही बात है। बेस क्या होगा 2 से 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई, आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 पहले था प्लस 1 हो गया। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, यहाँ पे आपका एरिया आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा पहले वाला एरिया 8, रेशियो क्या आ जाएगा 9, कितने गैप है भैया 1 का, सो 1 बाई पहले कितना था 8 मल्टीप्लाई बाई 100, 12.5% हो गया ना इजी। ऐसे होगा आपका सारा क्वेश्चन 1/1 करके सॉल्व। आगे बढ़े, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 80% when the length of rectangle is increased by 40%, breadth पूछा, एक बार बताओ, area is equal to क्या होता है? क्या होता है? L into B, breadth नहीं दिया है, breadth कैसे निकालेंगे? तो B is equal to क्या हो जाएगा? Area upon में length, मतलब कि area को अगर length से divide कर दूं तो breadth निकल के आ जाएगा। मैं कहता हूं ठीक है, area वाइज ratio क्या होगा, area आपका हो जाएगा पहले कितना था 80%, 80% का मतलब क्या होता है 4/5, मतलब area पहले 4 था, पहले 5 था, अब कितना हो गया 9 हो गया, यही ना, एरिया पहले 5 था अब हो गया 9। जो आपका लेंथ है वो कितना है 40% क्या दिया हुआ है, अच्छा ये भी इंक्रीज है रेक्टेंगल का लेंथ भी, 40% का मतलब क्या होता है 2/5, मतलब एरिया अगेन जो लेंथ है इसका, सॉरी यहां इसको गलत जगह लिख दिया मैंने, जो आपका लेंथ है वो क्या हो जाएगा 5 to 7, यही होगा, यही होगा ना भाई 5 to 7। अब इसको हम क्या करने वाले थे, ब्रेथ निकाल कर डिवाइड करने वाले थे, यहाँ पे हम डिवीजन लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 9:7। हमें देखना है कितना इंक्रीज हुआ है, इनके बीच का गैप निकालना है, तो क्या करेंगे 9/7 - 1 करेंगे, तो अब क्या आएगा 2/7 आएगा, जब 2/7 आया तो 2/7 का गैप अपॉन में 1 जो पहले था मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या आ जाएगा 2/7 × 100। इजी लग रहा है ना, 28.5 से थोड़ी प्रैक्टिस मारोगे तो सब कुछ इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन अ कोन द बेस रेडियस एंड हाइट इज इंक्रीज बाय 60% 25% रेस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका 1/3 πr² h, वॉल्यूम और एरिया तुम जरा रट के जाना, ताकि अगर फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाए तुम उसको बहुत इजीली कर पाओ। 1/3 πr का कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है आर स्क्वायर और एच से। आर क्या दिया हुआ है गाइस, आर दिया हुआ है 60% इंक्रीज कर रहा है, 60% का मतलब होता है 3/5, मतलब आर जो है 60% इंक्रीज है, इसका मतलब 3/5 हो जाएगा। आर लिख लेता हूं मैं, आर क्या हो जाएगा 3:5, ट्रू, आर क्या हो जाएगा 3:5, यही होगा ना, सॉरी यार एक मिनट क्या मैं भी बोल रहा हूं, जो आपका R है वो क्या हो जाएगा, जो आपका R है हो जाएगा आपका 5 to 8, मतलब पहले 5 था और अब प्लस 3 हो गया 8 हो गया, ये R हो गया। गाइस हमें क्या चाहिए, R स्क्वायर चाहिए, तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे R स्क्वायर हो जाएगा 25 × 64, H के लिए क्या दिया हुआ है 25% इंक्रीज है ना, हाइट जो है 25% इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या 1/4, मतलब पहले 4 था अब प्लस 1 5 हो जाएगा। जब हमें वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे एच में, 25 × 4 कितना आ गया 100 आ गया, रेशियो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 320। गाइस कितना गैप है इसमें 220 का, क्या करेंगे 220/100, 100 कट गया, ये 320 नहीं होगा ये 220 आएगा, ट्रू, आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट इज इन अ कोन रेडियस एंड हाइट इज इंक्रीज सच दैट द वॉल्यूम इज इंक्रीज बाई 68% एंड हाइट इज इंक्रीज बाई 66%, फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन रेडियस। मैंने कहा ठीक है भाई इसमें इसी को एडजस्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ पे क्या देखा था, कौन था ना, एक मिनट, हाँ यहाँ पे कौन था, ये भी आपका कौन ही है, अगेन
आपको पता है कि आपको क्या करना है, आर स्क्वायर बाई एच करना है। क्या करना है आपने, आर स्क्वायर बाई एच करना है। पहले तो आप ये जान लो कि वॉल्यूम 68% होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है आपकी 17/25। क्या होती है 17/25, 68/100 कर लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। उसके बाद 16.66% का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। 16.66 का मतलब आपका हो जाता है 1/6। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, बताता हूँ मैं आपको, 1/3 πr²h। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एच को एच छोड़ देते हैं। अगर मुझे रेडियस निकालना हो, अगर मुझे रेडियस निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि मुझे एरिया को, अगर मुझे आर स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एरिया को हाइट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरा आर स्क्वायर आ जाएगा या फिर मेरा आर आ जाएगा, यही करना पड़ेगा। मैं कहता हूं ठीक है, एरिया में क्या चेंज आ रहा है आपको देखता हूं। ये जो मेरा एरिया है, एरिया क्या हो रहा है आपका, पहले एरिया 25 था, 25 10 35, अब वो आपका हो गया 42। ट्रू, ये 42 आएगा, तो मेरे गलत लिखा, गलत लिखा। एरिया क्या आएगा आपका, 25 और 42। आपका हाइट क्या हो जाएगा, इस हाइट हो जाएगा कितना है, हाइट क्या दिया रखा है, 1/6। मतलब हाइट हो रहा है आपका 6 से 7, हाइट क्या हो रहा है आपका 6 से 7, सही बात है। चलो अब जब इसको डिवाइड ही करना है तो 6 से ये काट दो 7 और ये 7 से ये कट जाएगा, तो आपका जो आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा आपका, नहीं यार 25 से थोड़ा सा गड़बड़ कर देंगे हम लोग, एक काम करते इसको ऐसे रखते हैं हम लोग, रुक जाओ काटते नहीं है अभी। इसका ऐसे होगा कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर निकालने के लिए, तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 25/6 और रेशियो में क्या आएगा 6, यही आएगा 25/6 और रेशियो में 6। आपको पता है कि अगर इस 6 को हटाना है तो ऊपर मुझे 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, मैं यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, 25 36। अब आर की वैल्यू क्या हो गई, 5:6, ये 25 का 5 36 का 6, 5:6 इंक्रीमेंट कितना हुआ 1 का, किस पे 1/5 20%। इजी था ना, तो ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन आप बड़े प्यार से करते चले जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा, और ऐसे ही आपकी सारी चीजें होंगी भी। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, इन अ सिलेंडर रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट इज 1:2, इफ द रेडियस इज इंक्रीज बाई, पहले देखते हैं जो लिखा है आपका रेडियस, रेडियस जो है वो 50% हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और हाइट को डिक्रीज कर रहे हैं 40%, HEIGHT, हाइट को कितना डिक्रीज कर रहे हैं हम 40%। इसका मतलब होता है 1/2, इसका मतलब होता है 2/5, ठीक है ना। अब देखो ये है रेडियस, रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो रहा है आपका 2 से 3, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 से 9, हाइट आपका हो रहा है 5 से 7, 5 to 7, यही हो रहा है। इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे तो गाइस क्या आएगा, आप इसका वॉल्यूम निकालोगे तो आपका आएगा 9 से 5 हो गया 20, एक मिनट, 2 और 3 हो गया 4 और 9, अच्छा ये डिक्रीज हो रहा है ना, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 हो गया 20 और ये हो जाएगा आपका 27, कितना गैप है 7 का, तो 7/20 × 100, 20 × 500, 5 × 7 = 35%। कहानी समझ में आ रही है कुछ तुम लोगों को, आ रही है, चलो एक और कर लेते हैं। In a cuboid, if the length breadth is increased by 25% and 25% respectively, by how much percent height should be decreased so that volume remains constant? Volume को constant करना है भाई को। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ इसमें, इसको आप डालो अपने होमवर्क में, लेकिन इसमें constant का बताता हूँ। ये देखो आपको क्या करना है, आपको देखना है पहले L को और B को, फिर H को, और आपको ये देखना है कि जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का रेशियो हमेशा बराबर जाना चाहिए, ये जो वॉल्यूम का जो रेशियो ये बराबर होना चाहिए, नीचे का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे। जैसे क्या दिया हुआ है, इन्हें को वॉइड लेंथ ब्रेथ इंक्रीज बाई, लेंथ कितना बढ़ाया है 20%, बी कितना बढ़ाया है कितना 25%, इसका मतलब क्या हुआ 1/5, इसका हुआ 1/4, मतलब कि जो लेंथ है वो आपका 5 से 6 होने वाला है। ट्रू, जो आपका ब्रेथ है वो होने वाला है लेंथ 5 से 6 और ये आपका 1/4 है, तो ये आपका 4 to 5 होने वाला है, ये ध्यान रखोगे। अब ये दिया है कि यहां पे मैं ऐसा क्या हाइट के अंदर में क्या चेंज करूं, हाइट को कितना डिक्रीज और इंक्रीज करना है कि जो उस ऊपर वाला वॉल्यूम है ना वो सेम हो जाए। बताओ ये 5 हो गए 20 आ रहा है और 30 आ रहा है, मुझे
देखो अभी तक एल और बी को मल्टीप्लाई करने पे इस साइड में 20 आ रहा है, 6 5 30 आ रहा है, मुझे इन दोनों को बराबर करना है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करने का, यही करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब ये 3 मान लूंगा इसको, और उसको मान लूंगा मैं 2, तो क्या आ जाएगा, ये आपका 60 हो गया और ये भी आपका 60 हो गया। इन दोनों के बीच में कितना गैप, डिक्रीज कितना करना है, 1। तो आप बोलोगे सर 1/3 × 100, 33, 1/3%, बता ही दिया तुम लोगों को, खैर ठीक है ना, समझ गया ना। ये पंचों के बीच 6 5 30, 20 और 30 आया था, वॉल्यूम बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 का, मतलब यहाँ पे 3 चाहिए था, यहाँ पे 2 चाहिए था, दैट से LBH। तो इस तरीके से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो बनते चले जाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस के। आई होप तुम ये सारे क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, इनको आप होमवर्क में रख लो, ये लो ये भी तुम्हारा होमवर्क है, प्लीज कमेंट करना, मैं पिंग कर दूंगा। अच्छा ये वन मोर थिंग, अगर आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, यू कैन ज्वाइन आवर एफकेट कोर्स ऑन डिफेंस मेनिया ऐप। ये कोर्स स्पेशली एफकेट 1 2023 के लिए है, बट इस एफकेट के लिए आप दबा के प्रैक्टिस कर सकते हो, मेरे मैथ्स के रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। जैसे ही एफकेट ओवर होगा आपको जल्दी से मतलब लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी जूम पे हमारे साथ, और सारी फ्रेश रिकॉर्डिंग इस बार हम डालने वाले हैं स्क्रीन की, तो आपको मिलने वाली है। प्लस यू कैन यूज दिस कोड, इससे आपको डायरेक्ट 500 का ऑफ मिलेगा, और ये कोर्स आपको 999 में मिल जाएगा टिल फेब्रुअरी एंड 2023, सो यू कैन चेक इट आउट। बाकी मिलते हैं जल्दी, ये सारे क्वेश्चन है आप, आई होप कि तुम कर लो, और मिलते हैं जल्दी ही नए क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, एंड समझ में आई तो प्लीज कमेंट डाउन में डाल देना।